हरे कृष्णा दंडवत। तो कृष्ण प्रभु का आभारी हूँ कि मुझे कुछ आप सबको सेवा करने का आज मौका दिया है। आज मैं रामायण के आधार पर चर्चा करूँगा कि जब हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है तो उनका हम सामना कैसे कर सकते हैं। तो एक इंग्लिश में पावर पॉइंट है, इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट्स है, यहाँ से हम चर्चा कर सकते हैं। तो हनुमान्स टेल, मी टेल ये शब्द के इंग्लिश में दो अर्थ है, पूछ और कहानी। तो ये हनुमान के पूछ की कहानी है कि कैसे रावण ने उसको अग्नि लगाए, उसको जलाया, और वो कैसे वास्ते उससे ही प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी ने उसको रावण की लंका को जला दिया। तो हम चार विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले हमें वो समस्या क्यों आ रही है समझने का प्रयास करना है। तो समस्याओं का सामना करना उद्देश्य समझ के, फेसिंग ऑब्स्टिकल्स पर्पसफुली। फिर उसके बाद में दूसरा, कैसे रावण ने जब हनुमान की पूछ को जलाने का प्रयास किया, का आदेश दिया, तो उसकी विचारधारा क्या थी वो हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हनुमान को क्या विचारधारा थी उनकी, सद्गुणों से भरी हुई शक्ति थी उनकी जिससे कि उन्होंने उसका सामना किया, और कैसे हम हमारी विचारधारा वाइस से वर्च्यू, दुर्गुण से सद्गुण की ओर ले आ सकते हैं, न केवल हमारे कार्य पर हमारे उसके साथ हमारी विचारधारा भी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो वो क्यों आती है। तो एक हो सकता है कि हमने कुछ गलती की है, दूसरा है कि किस कोई दूसरा व्यक्ति हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो भी दूसरा व्यक्ति, हमने भी गलतियां की है और दूसरे व्यक्ति भी हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो उसे समस्या आ सकती है। तो अभी हम देखते हैं रामायण के प्रसंग में। अभी रामायण जो है वह कई स्तरों पर समझा जा सकता है। एक स्तर है कि उसको सीधी कथा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उससे हम शुद्धिकरण करते हैं, और दूसरा एक स्तर है कि उसके जो पात्र है वो किस तरह से फैसले करते हैं उसको हम समझ के फिर हम उचित प्रकार से फैसले कर सकते हैं। द रामायण कैन बी अ गाइड टू एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि कैसे हम अच्छी तरह से फैसले कर सकते हैं उसके हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी उस स्तर पर अगर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी जो परिस्थिति आई थी उसका वो क्या परिस्थिति है सब हम देखेंगे कि हनुमान लंका के दरबार में बंदी बन के आए हैं, और अभी रावण बड़ा क्रोधित है। सबसे पहले बंदी बना होना ही एक बड़ी डर की बात है। अगर हम इस परिस्थिति को थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम रावण के, अभी ऐसे नहीं था कि रावण के सारे लंका में सब लोग असुर ही थे। असुर असुर लोगों में भी असुरी प्रवृत्ति अलग अलग मात्रा में होती है, और जैसे विभीषण अच्छा व्यक्ति था, वैसे वहां पे नागरिक भी थे, वो सिर्फ अपने राजा के अधीन जी रहे थे। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति लंका में है और हम उसकी भू जगह में हम देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो रावण रावण बड़े क्रोध में है, हनुमान बंधा हुआ है। तो अभी देखिए ये परिस्थिति जो है, सबसे पहले कि रावण जो बड़ा शक्तिशाली और शक्तिशाली राजा है, कि शक्तिशाली व्यक्ति के सामने ही अगर कोई जाता है तो वो थोड़ा सा भय लगता है, उसके ऊपर अगर जो शक्तिशाली व्यक्ति क्रोधित है तो उससे और भय हो जाता है। मान लीजिए हम ऑफिस में जाते हैं और कोई बॉस है, बॉस क्रोध में होगा, तो भले ही हमने कुछ गलती नहीं की हो तो भी क्रोध में होता है, हमको डर लगता है, थोड़ा सा सहम जाते हैं कम से कम। उसके ऊपर से अगर हमने ही गलती की है और उसके कारण वो क्रोधित है तो फिर और भय, और थोड़ा सा भय लग जाता है। उसके ऊपर से अगर ये बॉस और कोई एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, मान लीजिए कोई शत्रु पक्ष, कोई ये रणभूमि पे या रणभूमि के बाजू में तंबू में हो रहा है, और कोई सेनापति है, राजा है, वो किसी शत्रु की ओर वार्तालाप कर रहा है,
तो वो और भय हो जाता है। तो अभी हनुमान बंधे हुए हैं, तो अगर साधारणतया अगर हमें कोई हमें से गुस्सा है तो हम वहां से चले जा सकते हैं और फिर वो शायद उसके क्रोध से बच सकते हैं, पर अगर बंधे हुए हैं तो चले जाना भी मुश्किल है। तो अभी ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी है और हनुमान जी अकेला है। हनुमान जो है बिल्कुल जब लंका में गए गए तभी ही वे अकेले थे। न केवल अकेले थे पर वे अकेले उन्होंने क्या किया, वो गए थे वहां पे सीता को खोजने के लिए और भी सीता को खोज लिया। तो क्या हमारे जीव अभी जी, उस सीता को खोजने के बाद हनुमान ने कुछ और करने का फैसला किया। तो सोचा कि अभी ये युद्ध जो होने वाला है उसको क्या हमें टाल सकते हैं, तो कैसे टाल सकते हैं, तो शायद युद्ध जब होता है तो उसमें क्या होता है कि कई कारणों से युद्ध होता है और कई कारणों से युद्ध टलता है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि द द फियर ऑफ वॉर इज ऑफन द ग्रेटेस्ट प्रिवेंटर ऑफ वॉर, कि जब कोई युद्ध का भय होता है उससे ही युद्ध टलता है। मतलब क्या है कि कई बार अगर हम यहाँ पे स्टॉप दिस फॉर द टाइम बीइंग, कई बार जब हम देखते हैं कि कई लोग पूछते कि ये रामायण महाभारत में इतनी हिंसा क्यों है, अभी हनुमान को हिंसा करने की क्या जरूरत थी। हनुमान ने अशोक वाटिका में कुछ पेड़ तोड़ दिए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको पकड़ा, वो पकड़ने के लिए बड़े सैनिक आ गए, सबको उन्होंने हरा दिया, फिर बाद में बड़े बड़े और सैनिक लाते गए, फिर बाद में इंद्रजीत खुद आया, उसने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया और हनुमान को बंदी बना लिया। तो एक तरह से हनुमान का अपना काम हो गया था, सीता को संदेश दे दिया था, सीता के जान पिता कहाँ है वो जानकारी प्राप्त कर ली थी, सीता का संदेश भी ले लिया था राम के लिए, तुरंत वो जा सकते थे वापस। और तभी हनुमान ने सोचा कि मैं थोड़ी और सेवा करता हूँ। अभी क्या होता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका कभी कभी कोई अपेक्षित परिणाम होता है, कभी कभी उससे कोई उसके कारण कुछ अनपेक्षित हो जाता है। तो एक तरह से हनुमान लंका में आ चुके थे, उन्होंने सीता से मिले तो जा सकते थे वो, तो जब उन्होंने किया ऐसे तो क्यों किया उस, और जो क्या जब पेड़ वगैरह तोड़े उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए, तो एक तरह से अभी और समस्या में आ गए थे। अकेले शत्रु के इलाके में होना मुश्किल बात है, अकेले शत्रु के इलाके में बंदी बना हुआ होना और ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे शत्रु सबसे शक्तिशाली है उनके राज दरबार में, तो वो तो बहुत परेशानी की बात होगी। पर हनुमान ने ऐसे क्यों किया था, वो उनको रावण की क्या शक्ति है, रावण की क्या मानसिकता है वो समझना था। शक्ति मतलब किस प्रकार के सैनिक है उनके पास, किस प्रकार के योद्धा है, किस प्रकार के शस्त्र है, किस शस्त्रों की योजना, सैनिकों की योजना क्या है, वो सब देखना था, उनको समझना था। और फिर एक और चीज थी कि रावण को भी एक चेतावनी देनी थी। तो अभी जब इस तरह से वो बंदी बन गए थे और अभी फिर रावण की क्या इच्छा थी कि मैं इनको मार डालूंगा, मैं हनुमान को मार डालूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई। तो ये परेशानी आई क्यों, इसे मैं बता रहा था कि जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो कई कारण हो सकते हैं, कि हमने कोई गलती की है, दूसरा कोई व्यक्ति हमें बर्बाद करने को आ गया है, या फिर हम खुद, ये दोनों के एक साथ साथ दोनों हैं। तो अभी रावण के परिस्थिति में क्या हुआ था, रावण तो खुद बड़ा ही खूंखार था, तो जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारी गलती तीन कारणों से हो सकती है, कि हमें पता नहीं है क्या करना है, अज्ञान है, या जो हम कर नहीं सकते हैं उसको इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है, हमें पता है कैसे करना है पर हम थोड़ा लापरवाही से करते हैं, क्योंकि हमको लगता है बड़ा आसान काम है ये, तो फिर गलती हो सकती है। तो अभी क्या हनुमान को पता नहीं था कि रावण कितना शक्तिशाली है, क्या हनुमान जैसे युद्ध नहीं कर सकते थे, क्या हनुमान को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था, नहीं ऐसे कुछ नहीं था। यहाँ पे जो समस्या थी वो क्या थी, जो रावण का नफरत था, रावण की जो क्रूरता थी उसके कारण हुआ था,
तो अभी रावण का हनुमान से कोई शत्रुत्व नहीं था, जब कोई हमारे पीछे पड़ जाता है तो क्यों पीछे पड़ता है? कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो हमारे पीछे इसलिए पड़ा है कि शायद हमसे ही क्रोध है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे क्रोध नहीं है पर हम जिस चीज को रिप्रेजेंट करते, जिस चीज के हम प्रतीक है उसके प्रति क्रोध होता है। तो मैं जब अमेरिका में गया था, तो हर साल में कई महीने अमेरिका में होता हूँ, पाश्चात्य देशों में होता हूँ, तो क्या है कि ये एक एक तरह से विडंबना है कि अमेरिका में कई कई देशों के लोग हैं, कुछ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, रशियन है, चाइनीज बहुत है, तो चाइनीज और भारतीय बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अभी कई कई भक्त जो भक्त भारत से वहां पे गए हैं, बताते हैं कि कई बार क्या होता है, जो साउथ अमेरिका से या अफ्रीका से जो लोग आते हैं, तो भले ही तो कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि ये भारतीय लोग जो आए हैं वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुशिक्षित है, और ये बहुत यहाँ पे आके रईस बन जाते हैं, और हम वहाँ पे आते हैं उतना नहीं बना सकते, तो उसे थोड़ी ईर्ष्या होती है। तो अभी जो ईर्ष्या हो रही है वह अभी वो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, पर क्या है, व्यक्ति को जानते भी नहीं है पर फिर भी वो व्यक्ति क्या संबोधित करता है, वो किस चीज का प्रतीक है? ये भारतीयों का प्रतीक है। भारतीय मतलब क्या है, ये भारतीय सारे जो अच्छी नौकरियां ले लेते हैं हमसे, तो ऐसे सोच के क्या होता है, हमारे लिए कुछ नौकरियां रहती नहीं। अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि व्यक्ति को अपनी पात्रता के अनुसार नौकरी मिलती है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि हम जिस चीज को प्रतीक करते हैं उसके कारण क्रोध हो जाता है। अभी जाति के कारण कभी झगड़े हो रहे हैं, धर्म के कारण झगड़े हो रहे हैं, तो अगर किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति दिख जाता है तो भी उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया होगा, पर वो व्यक्ति किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज का प्रतीक है, उसके कारण उसके प्रति क्रोध आ जाता है। तो सीधे रावण जो था, रावण हनुमान से इसके पहले कभी मिला नहीं था, और रावण को हनुमान से कोई घृणा नहीं थी, पर हनुमान ने जो किया था, और हनुमान जब उसने बताया कि मैं राम का दूत हूं, और फिर हनुमान ने राम के प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ चेतावनी दी कि आप सीता को लौटाओगे नहीं तो फिर आपका विनाश हो जाएगा, तो इससे तो बहुत क्रोधित हो गया, और वो क्रोध में आके उसने क्या किया, क्रोध में उसने आके आदेश दे दिया कि अभी हमारे जीवन में समस्या आती है, कभी कभी हमारी गलतियों से होती है, कभी दूसरों के घृणा से नफरत से होती है, कभी दोनों के साथ होती है। तो अभी क्या हुआ, रावण ने जब क्रोध में आके ये फैसला किया कि वो इसका हनुमान को परेशान को सजा देगा, तो हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं अभी। तो अभी हनुमान की क्या विचारधारा थी, पहले तो उसने सोचा कि इसको मार डालो, तो अभी जब मार डालो बताया तो विभीषण बीच में आगे बोले कि ये तो दूत है, दूत के रूप में आए तो उसको मारना नहीं चाहिए। पर अभी तभी क्या हुआ, रावण रावण को ऐसे क्या राजनीति के नियम थे उससे इतना ज्यादा कुछ आदर नहीं था, पर सोचा था कि विभीषण ने कहा कि ये तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा कि तुमने किसी दूत को मार डाला, तो ये सोच के ठीक है मैं इसको मारूंगा नहीं, कुछ और करना है। तो अभी तो उसने सोचा कि मैं इसको ऐसा दंड दूंगा कि दंड भी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा दर्द हो, जितना ज्यादा दर्द हो सके उतना ज्यादा दंड देना है। तो फिर वो उसने पूंछ को क्यों मारा, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है, और फिर जो वाल्मीकि रामायण पे आचार्य लिखा है उसमें भी उसके रावण की जो विचारधारा है जो उसके बारे में और वर्णन आता है। तो अभी उसने क्या सोचा कि जो वानर होते हैं उनके लिए जो उनकी पूंछ होती है वो गर्व का कारण होती है। तो अभी क्या होता है कि जो ऐसी मानसिकता ऐसी होती है कि अलग अलग समाजों में अलग अलग चीज जो है वो सौंदर्य का प्रतीक होती है। अभी को हम बोल सकते हैं कुछ कुछ समाजों में क्या कैसे किसी के बाल कैसे है, किसी का नाक कैसे है, किसी के मसल्स कैसे है, यह सौंदर्य शक्ति का प्रतीक होती है, ये मानव समाज में होता है। पर हर समाज में जो होता है कि अलग अलग चीजें जो है, मानव समाज में कुछ चीजें होती है, जानवरों में भी होते हैं कि क्या
क्या सौंदर्य शक्ति या आदर का कारण बनता है। तो कोई वानर है, उसकी लंबी पूंछ है, पूंछ उसे ऊपर उठी है, तो वो क्या है, वो रावण कहता है कि इसमें इसके लिए गर्व की बात है। वानरों के लिए अपनी जो पूंछ होती है वो गर्व की बात है, तो मैं अगर उसे काट दूंगा तो क्या होगा। उसका एक और समस्या है कि अगर बाल काट देते हैं, अगर आप देख तो बाल पुनः आ जाते हैं, पर अगर पूंछ काट देते हैं तो अलग अलग जानवर है, कुछ जानवरों में पूंछ जल्दी से आ जाती है, कुछ जानवरों में बहुत समय लगता है, और खास करके अगर लंबी पूंछ होती है तो फिर वो काट देंगे तो जल्दी आएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, जो अभी घाव भी होता है, कुछ घाव जल्दी से भर जाते हैं, कुछ घावों को भरने को बहुत समय लग जाता है, तो ये क्या है, ये ऐसा घाव होगा कि ये काफी समय तक रहेगा, उसकी पूंछ पहले जैसे कभी होने में बहुत समय लग जाएगा, और अगर पूंछ वापस आई नहीं तो फिर क्या होगा, वो हमेशा के प्रति उसका अपमान हो जाएगा, और न केवल अपमान होगा पर उसके साथ साथ क्या होगा, उसके लिए यह एक अपमान का एक चिन्ह हो जाएगा। अपमान का चिन्ह मतलब क्या, कि जैसे कोई आर्मी में होता है, उसको कुछ मेडल मिलता है या उसको कुछ अवार्ड मिलता है, तो उसके एक स्टार आता है, बैच का स्टार आता है या कुछ बार आता है, तो फिर वो उसके आदर होता है। पर अगर कोई जेल में गया है, किसी ने कुछ ड्रग्स लिए हैं, तो उनके इन्फो उनके जो बायोडाटा है, उनका जो रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड है, उस पर रेड मार्क आ जाता है, तो जो रेड मार्क है वो अपमान का लक्षण है, जो स्टार मार्क है वो मान का लक्षण है तो हनुमान सोचता है कि क्या है, रावण सोचता है कि ये हनुमान की अगर पूंछ काट दूंगा तो पूंछ नहीं रहेगी, तो हमेशा के लिए अपमान का कारण बन जाएगा। तो इस तरह से उसने वो उसको उसकी जो पूंछ है उसको नाश करने का फैसला किया। तो दो सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है कि उन्होंने पूंछ को ही क्यों, रावण ने पूंछ को ही काटा, हनुमान के हाथ को पैर को क्यों नहीं काटा, पूछ को, ये पूछ को काटने पूछ पूछ के प्रति हानि करने के लिए यह कारण थे। पर अभी दूसरा सवाल आता है कि उन्हें पूछ को काटा क्यों नहीं, पूछ को जलाया क्यों। तो वाई बर्न द टेल, पहले जो क्वेश्चन था टेल पे था, टेल को क्यों जलाया, अभी अभी वाई बर्न, तो क्या होता है, अगर काट देते हैं तो दर्द होता है, पर कुछ समय के लिए तीव्र दर्द होता है, पर जब जला देते हैं तो फिर काफी समय तक बहुत तीव्र दर्द रहता है, तो वो जो जलने का जो दर्द होता है वो बहुत ही भयावह, न केवल दर्दनाक होता है वो, पर भयावह भी होता है। मैं कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में था और वहां पे एक भक्त मिले थे मुझे, अभी भक्त बन रहे वो जो आपको पता होगा कि 9/11 जब हुआ था अमेरिका में, बहुत बड़ा आतंकवाद का आक्रमण हुआ था वहाँ पे, अमेरिका के बहुत टावर्स थे बड़े, ट्विन टावर्स, तो वो ट्विन टावर्स जो थे वो आतंकवादियों ने उसको तोड़ दिया था, तो तभी कई फायर फाइटर्स थे, तो वो फायर फाइटर्स कुछ इंजर हो गए, कुछ 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 जख्मी हो गए, कुछ वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही वहाँ पे जो एक फायर फाइटर था वो अभी वहां पे जख्मी हो गया था, पर अभी वो भक्ति में रुचि ले रहा है, तो उससे मैं बात कर रहा था, बता रहा था कि तभी जो कई फायर फाइटर्स जो थे वो इसके अंदर चले गए थे, और जो उन्होंने किया वो बहुत ही एक साहस और त्याग का कार्य था, क्योंकि वो कई वहां पे वो जब बिल्डिंग गिर गई तो वो जल के उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने ऐसा उसके बावजूद जो करना था वो किया उन्होंने, वो साहस की बात है। पर उससे ज्यादा क्या हुआ था, जब वो ट्विन टावर जलने लग गए थे और जब समझ गया था कि जल रहे हैं, तो कई लोग वो टावर से बाहर कूद रहे थे, अभी वो 50, 60, 70, 80, 90, 100 एक मंजिल पर है वो, और भाई वहां से कूदना मतलब मृत्यु को ही स्वीकार करना है, अभी शरीर के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि टुकड़े भी गिन नहीं पाएंगे, पर फिर भी वो जो वहां पे अग्नि जल रही थी, तो वो अग्नि जलने का इतना दर्द होता है कि उससे बेहतर है अभी मृत्यु आ रही है तो यहाँ पे तुरंत हम गिर जाएंगे, अगर शरीर टूट जाएगा तो कुछ कुछ पल के लिए टूटेगा और मृत्यु हो जाएगी, पर यहाँ पे जलेगा तो
वो जलने का दर्द होता है, एक शरीर का एक अंग जल गया, फिर दूसरा अंग जल गया, फिर तीसरा अंग जल गया, इस तरह से चलते रहेगा तो वो दर्द बहुत होता है। तो इसीलिए रावण ने क्या फैसला किया, मैं हनुमान की पूंछ को जलाऊंगा, और जलाने से न केवल दर्द होगा पर दर्द काफी समय तक रहेगा। तो इस तरह से जब कोई सजा भी देता है तो जब हनुमान को सजा देना चाहते थे, रावण की जो क्रूर भावना थी वो किस तरह से सजा दे रहा था उसमें दिख रही थी। तो अभी जब भी कोई सजा देनी होती है तो सजा का उद्देश्य क्या होता है? सी द पर्पज ऑफ डिसिप्लिनिंग इज नॉट सो मच टू कॉज पेन एज टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट विल कॉज पेन। कि जब कोई सजा दे रहे हैं, सजा देने का उद्देश्य क्या है कि मान ली किसी ने चोरी की है तो पुलिस उसको शायद पीटते हैं या जज उसको जेल में डाल देते हैं, जेल में उसको बहुत काम करना पड़ता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य अगर कोई राजा या सरकार कोई उचित विचारधारा की है तो फिर उसका उद्देश्य क्या है कि वो सिर्फ उसको जेल में डाल के उसको परेशान उसको दर्द देना नहीं है, उसकी विचारधारा को बदलना है। और विचारधारा को बदलने के लिए वॉट एवर इज द मिनिमम नेसेसरी पेन दैट विल एक्ट एज द इम्पेटस टू ट्रांसफॉर्म द मेंटेलिटी दैट इज वॉट इज टू बी गिवन। कि जो अगर दर्द देना है तो कितना दर्द देना है, कितनी परेशानी देनी है, कितनी सजा देनी है, वो उतनी देनी है जितनी कम से कम जरूरी है विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए। यह जो ऐसा जो होता है वो सद्गुणी लोगों का विचार होता है। जब जब पुलिस भी होते हैं वो सजा देते हैं अगर वो सद्गुणी है तो, कम से कम दर्द जिससे कि विचारधारा का परिवर्तन होने के लिए कोई प्रवृत्ति प्रेरणा मिल सके, कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए। पर जो असुरी लोग होते हैं उनको क्या होता है, दूसरों के दर्द में ही सुख मिलता है, और जितना ज्यादा दर्द दे सके उतना ज्यादा दर्द देना है। तो रावण की ऐसी क्रूर विचारधारा थी, तो वही विचारधारा के साथ उसने हनुमान के पूंछ को जला दिया, जलाने का आदेश दे दिया। और फिर जब जलाने का आदेश दे दिया तो अभी ये पूंछ जल रही थी और उसने सोचा कि हनुमान को मैं और दर्द दूंगा, अभी पूंछ जला दी है अभी और दर्द क्या दे सकता है। तो उसने उसके आगे आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि हनुमान को आप लंका के शहर लंका के सड़कों पे आप उसकी जुलूस जैसे निकालो, और वहां पे उसका कैसे अपमान हुआ है, कैसे उसका पराजय हुआ है, यह सब सब लोग देख सके, जिससे कि सब लोगों में एक भय का वातावरण आ जाए कि अगर हम रावण के खिलाफ कुछ करेंगे तो जो भी ऐसे करेगा उसकी क्या गति होगी, सब देख सके, उनकी क्या दुर्दशा होगी वह सब देख सके। तो हनुमान जब लंका के शहरों में थे तो क्या था, तो चार चीजें थी, तो बर्न बाउंड बीटन एंड बिरेटेड, कि वो उनकी पूछ जल रही थी और फिर बांधे गए थे, बांध के वो खींचे जा रहे थे, जब खींच रहे थे तो जो पहरेदार वगैरह थे वो लाथ मार रहे थे, पीट रहे थे, और फिर उसके साथ साथ उसका अपमान भी कर रहे थे। तो अभी ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति होगा साधारणतया, इनमें से कोई भी एक परिस्थिति होगी तो भी मैं कैसे बच सकता हूँ, वह सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत समस्या या दर्द का कारण होता है। पर जब हनुमान इस परिस्थिति में थे तो वो नहीं सोचा था मैं इससे कैसे इससे बच सकता हूँ, वो ठीक है जितना तुम्हें मुझे घुमाना है घुमाओ, कि तुम जितना घुमा रहे हो उतना मुझे और लंका को देखने का मौका मिल रहा है, उतना मैं और प्रभु श्री राम को जानकारी दे पाऊंगा, यह भाव से हनुमान चल रहे थे। तो हम सबके जीवन में दुख आता है, दर्द आता है, पर क्या होता है कि वो जो समस्याएं आती है हमारे जीवन में, वो समस्याओं से हमें इतना दर्द नहीं होता है जितना कि हम उस समस्या को किस विचारधारा से देखते हैं। तो हनुमान ने नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, देखिए अच्छा ठीक है अभी ऐसा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, किस तरह से मैं
मेरे जो उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर हो सकता हूं। उसके कारण क्या हुआ, हनुमान जो है उससे इतना पीड़ित नहीं हुए। तो अभी हनुमान की जो शक्ति थी वो कहां से शक्ति आई हम देखेंगे। तो हनुमान को तीन प्रकार से सहायता मिली। कैसे बताया जाता है कि जब मैन गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि अगर हम खुद प्रयास करते हैं तो हमसे जो बड़ी शक्तियां हैं जैसे भगवान की शक्ति है वो हमारे मदद के लिए आ जाती हैं। तो हनुमान बिना भय के, बिना घृणा के, बिना नकारात्मक विचारों के, वो सिर्फ अपना सेवा भाव रख रहे थे। तो क्या हुआ, सीता ने, सीता को जब पता लगा, सीता ने प्रार्थना की, हे अग्निदेव कृपया आप हनुमान की पूंछ को मत जलाओ। तो अभी क्या होता है, जलाने में दो चीजें होते हैं, डर कि कोई, जैसे कोई चीज, जैसे जब कोई चीज जलती है तो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं कि जो गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। ऐसे अगर बल्ब होता है, बल्ब से जो रोशनी आती है वो गर्म रोशनी होती है, ट्यूबलाइट से जो रोशनी आती है वो ठंडी रोशनी होती है। बल्ब हम पास में रखे हैं तो क्या ज्यादा समय तक बहुत पास में नहीं रख सकते उसको, पर ट्यूबलाइट पास में होगा तो भी समस्या नहीं आती है। तो क्या हुआ, जैसे ही सीता ने प्रार्थना की तो वो अग्नि तो जल रही थी, द फायर वॉज बर्निंग बट द फायर वॉज नो लॉन्गर बर्निंग हिज टेल। तो हनुमान ने देखा कि हनुमान तब तक दर्द हो रहा था पर दर्द को सहन कर रहे थे, पर अचानक देखा रहे दर्द रुक गया, क्या हो गया। तो देखा कि अग्नि बंद हो गई है, पर अग्नि तो थी वहीं पे, आग वहीं पे थे, पर वो आग आग जल भी रही थी पर वो जला नहीं रही थी। ये रहस्य की बात, ऐसे कैसे हो सकता है कि द फायर वॉज बर्निंग बट इट वॉज नॉट बर्निंग एनीथिंग, इट वॉज नॉट बर्निंग हिज टेल। तो सीता की प्रार्थना से ऐसे हो गए, वो आग बुझ नहीं गई, आग जल रही थी पर वो जलाना बंद कर रही थी। फिर क्या हुआ, तभी उन्होंने याद आया कि न केवल सीता मेरे, सीता के आशीर्वाद मेरे साथ है कि राम की शक्ति भी मेरे साथ है। हनुमान जी है वो जो है, ऐसे बताया जाता है कि जब वो लंका की ओर जा रहे थे वो प्रभु श्री राम के नाम का जप कर रहे थे, और राम के नाम का जब जप कर रहे थे तो उससे उनके मन में विचार आ रहा था कि ये राम के नाम के जप से तो लोग भवसागर पार कर लेते हैं, तो ये छोटा सा सागर है लंका जाने के लिए, उसके लिए क्या वो पार करना क्या बड़ी बात है। इस विचार से वो बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, कुछ भी भय या हिचकिचाहट नहीं थी। तो उन याद कि राम की शक्ति मेरे साथ है। और फिर उसके साथ साथ क्या है, हनुमान जहां पे थे कि वहां पे वायु आ गया। वायुदेव जो है वो हनुमान जी के पिता है। तो वायुदेव जब वहां पे आ गए तो फिर क्या हो गया, वायुदेव ने, अभी जब वायु भी आता है तो अलग अलग प्रकार का होता है वायु, जब वायु भी जब आता है तो कि कुछ हवा जो होती है वो ठंडी हवा होती है। तो मान लीजिए अगर गर्मी होती है तो ठंडी हवा, उसमें बहुत राहत मिलता है। अगर ठंडी होती है और वहां पे गर्म हवा आती है तो राहत मिलता है। पर अगर गर्मी है और गर्म हवा आ रही है, ठंडी है और ठंडी हवा आ रही है, तो फिर जो होता है उससे वो परेशानी होती है। तो जो वायु होता है वो सब एक प्रकार की वायु नहीं होती है। तो जब तूफान आता है तो कई बार जब तूफान, तूफान का जो प्रवाह होता है उससे विनाश होता है, पर जब कई हरिकेन या वर्लविंड या साइक्लोन या टॉर्नेडो, ऐसे अलग अलग प्रकार के हवा के तूफान आते हैं तो उससे साधारणतः हम सोचते हैं कि हवा की रफ्तार से समस्या आती है, विनाश होता है, वो सही है, पर उसके साथ साथ जो हवा आती है वो किस प्रकार के वायु को ला रही है, अगर गर्म हवा को ला रही है या ठंडी हवा को ला रही है, उससे भी काफी प्रभाव होता है, क्योंकि तो उससे वातावरण परिवर्तित हो जाता है, उससे भी लोगों पर प्रभाव हो जाता है। तो अभी जब वायु आने लग गई तो क्या हो गया, ऐसी वो हवा थी कि ठंडी हवा थी, ठंडी हवा थी क्या, उससे हनुमान के पास में अभी वो जल रहा था, जलन तो नहीं हो रही थी, जल रहा था, पर उससे हनुमान को वो एक तरह से फैन होता है, फैन जैसे ठंडी राहत मिल रही थी। और तभी
जब हनुमान ने महसूस किया कि अभी हवा भी है और जलन भी नहीं हो रही है, तो अभी ये मेरा मौका है। और फिर उस तभी हनुमान ने क्या किया, तभी हनुमान ने अपने पूरे जो योजना है, योजना से कुछ बहुत ही विस्मय विस्मय देने वाली चीज कर दी। तो बुमरांग नाम की ऐसी चीज होती है कि हम फेंकते हैं, वो जहां पे जाती है वहां पे जाके पुनः व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, उसको इंग्लिश में बुमरांग कहते हैं। तो अभी ये कोई भी ऐसी जो कैसी योजना जो अगर व्यक्ति दूसरे के प्रति करता है पर वही उसके प्रति उसकी विपरीत आ जाती है, उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको बुमरांग कहते हैं। तो जिस चीज से रावण ने हनुमान को दर्द देने का प्रयास किया था, उसी चीज से हनुमान ने रावण को दर्द दे दिया। क्या किया रावण ने, हनुमान ने देखा, हनुमान जब लंका में गए थे तो वो निहत्थे गए थे। क्यों निहत्थे गए थे? क्योंकि वो हवा में कूद के जा रहे थे। तो तभी जब जा रहे हैं तो कोई भी शस्त्र लेके जाएंगे तो वो शस्त्र एक बोझा हो जाएगा। और जो वानर थे तो वानर वो उनके पास कुछ ज्यादा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बहुत ही अच्छे शस्त्र भी नहीं थे। उसके साथ साथ अभी हम कई बार देखते हैं हनुमान के गदा होती है। हनुमान ने जब युद्ध किया था लंका में उसके पहले, तो वो गदा नहीं थी उनके पास। हनुमान के पास क्या था, वहीं पे एक दरवाजा था, दरवाजे को तोड़ के उसका जो उसकी जो सलाई थी, उसकी जो बार था, उसको उठा के उससे उन्होंने वानर को उन्होंने राक्षसों को मारा था। तो पर अभी हनुमान ने सोचा कि ये में जो मेरी पूंछ है जो जल रही है पर मुझे जला नहीं रही है, यह एक ऐसा शस्त्र है जो मेरे हाथ में मेरे पूंछ में रावण ने ही मुझे दे दिया है। अभी क्या है कि ये भी अलग अलग स्तर का अलग अलग स्तर की हार होती है। जब युद्ध होता है तो कि इन अ फाइट विनिंग अलोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ द ऑप्टिक्स ऑफ विनिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अफेक्ट द मोरल। कि मतलब क्या है कि कोई युद्ध हो रहा है, दो सेनाओं में युद्ध है, तो अभी कौन जीतता है वो महत्वपूर्ण है, पर वो कैसे जीतता है, उससे क्या इमेज, उससे क्या एक उसे क्या किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है, उससे जो युद्ध दोनों युद्ध करने वाली सेना है उनकी चेतना पे, उनके विश्वास पे प्रभाव होता है, उनका मोरल कम डाउन होता है। तो अगर मान लीजिए दो सेनाओं में बड़ा युद्ध हुआ है और पहली सेना दूसरे सेना को बड़े युद्ध के बाद हरा दिया, जो हार गई है वो एक तरह से हताश हो जाएगी, पर क्या है ठीक है हमने अच्छा युद्ध किया, अगली बार शायद जीत जाएगी, ऐसे होता है, ऐसे विचारधारा हो सकती है। पर अगर कोई अकेला शत्रु आता है और वो फिर उसका विनाश कर देता है तो फिर वो एक अपमान की बात है। अरे एक शत्रु इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिमान है, पर वो शत्रु अगर कुछ अभी कोई अगर भारत के कोई भारत के कोई सैनिक है, वो पाकिस्तान है, चाइना में कुछ वहां पे रेड करने जाते हैं, तो वो अपने शस्त्र यहाँ से वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे बॉम्ब डाल के आ जाते हैं। ये भी बहुत ही एक तरह से जो है बहुत ही साहस और गौरव की बात है कि वो आप शत्रु के क्षेत्र में जाके आ गए, वहां पे बॉम्ब डाले और वापस आ गया। पर मान लीजिए कोई निहत्था जाता है भारत से किसी देश में और फिर वहां पे जाके उसी शत्रु के जो बम है वो बम को लेता है और फिर उस शत्रु के शस्त्रों से ही शत्रु का वध करके वापस आ जाता है, तो ये शत्रु के लिए और बहुत बड़ा अपमान है। तो न केवल ये हार है पर वो अपमान भी है। इट इज नॉट जस्ट अ डिफीट बट इट्स अ डिबैकल। क्या है कि हमारे ही शस्त्रों से उसने हमको मार डाला। तो हनुमान ने क्या किया, हनुमान के पास कुछ शस्त्र नहीं थे, जो रावण ने आग लगाई थी उसी का इस्तेमाल किया, और उसे क्या किया उसी का इस्तेमाल करके उसने लंका को जलाना शुरू कर दिया। लंका को जलाना शुरू कर दिया, तो साधारणतः कोई भी चीज हम जलाने को इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई कोई लकड़ी की चिंगारी है
जो लकड़ी है जो जली हुई है, वो उससे कोई एक चीज को जलाते हैं, दूसरी चीज को जलाते हैं, तीसरी चीज को जलाते हैं, पर क्या है वो लकड़ी भी तो जल रही है, लकड़ी खत्म हो रही है जल के, तो क्या है कि फिर उसको तब आपको दूसरी लकड़ी लानी पड़ेगी, दूसरी लकड़ी से तीसरी लकड़ी लानी पड़ेगी, तो कोई जला सकता है। पर जब ये जला रहे हैं तो क्या होता है, हनुमान जी के पास ऐसा शस्त्र मिल गया था जो जल रहा था, जो जला रहा था, दूसरी चीजों को जला रहा था, बट खुद नहीं जल रहा था ना, तो हनुमान को जो दर्द नहीं था, दर्द नहीं हो रहा था, पर हनुमान की जो पूंछ थी वैसे की वैसी ही थी अंदर। तो अभी क्या हो गया, ये ऐसा शस्त्र मिल गया, अब कल्पना कीजिए ऐसी कोई, ये ऐसे एक ऐसी गन है कि आप उसको कितना भी शूट करते रहो उस गन से, वो गन में जो बुलेट्स है वो खत्म ही नहीं होने वाले। अभी ऐसा शस्त्र हनुमान को मिल गया, वो जल रहा है, जला रहा है, एक एक जगह जला रहा है, दूसरे जल जला रहा है, तीसरी जगह जला रहा है, जलाते ही जा रहा है, जलाते ही जा रहा है, और वो पूंछ को कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो जल जल के खाक हो रही है ना, कि जल के कोई दर्द दे रही है, वैसे कि वैसे ही पूछ। तो इस शस्त्र से उन्होंने रावण के लंका का पूरा विध्वंस करने लग गए। अभी ये विध्वंस करने की जरूरत क्या है, हिंसा करने की जरूरत क्या है, कैसे कि ये हिंसा जो शब्द है वह शब्द ही काफी हिंसक है। कोई कह कहते तुम हिंसा कर रहे हो, तो तुम हिंसा कर रहे हो, यह जो आरोप है वह भी एक हिंसक आरोप ही है। तो अभी हिंसा क्या है यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेटिंग विथ पीपल इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड इज नॉट नेसेसरीली वायलेंस। जो हिंसा है, अगर मान लीजिए कभी कोई कोई व्यक्ति घुड़सवार है, कोई व्यक्ति हाथी पे चला रहा, हाथी चला रहा है, तो अभी क्या होता है, घोड़े को चलाने के लिए एक लगाम इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई अभी लगाम से जब उसको घोड़े को मारते हैं तो वो घोड़े को दर्द होता है, पर अभी क्या वो दर्द जो है, घोड़े को लगाम से मार रहे हैं, क्या वो दर्द उस पे घोड़े पे हिंसा हो रहा है उससे, अगर वो लगाम मारने की कोई जरूरत है नहीं और फिर भी मार रहे हैं तो फिर वो हिंसा है बेशक। कोई सिर्फ कोई घोड़ा अपने शेड में है, स्टेबल में है, और वहां पे कोई जाके उस घोड़े को लगाम से मारने लगता है तो वो हिंसा है, पर अगर कोई घुड़सवार कोई युद्ध में जा रहा है, कोई बहुत ही कोई सारथी है और रथ को लेकर किसी भी जरूरी काम पे जा रहा है, और उस समय अगर वो घोड़ा किसी अलग दिशा में जा रहा है, तो तभी उस घोड़े को जब मारते हैं लगाम से तो वो दर्द है रहा है, पर वो दर्द हिंसा नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जब घोड़ा उस रफ्तार से जा रहा है तो घोड़े को समझाना इधर मत जाओ इधर जाओ, तो क्या है वो दर्द है जरूर, बट इट इज सिंपली कम्युनिकेटिंग इन द लैंग्वेज दैट दे विल अंडरस्टैंड। अगर कोई कोई बड़ा जानवर है, अगर हम रास्ते में हैं और हमारे रास्ते के बीच में हम चल रहे हैं, या हमारे पास कोई साइकिल है, बाइक है, और बीच में एक गधा आ गया है, तो अगर वो गधे को अगर हम बोलिए भाई साहब आप थोड़ा बाजू हो जाओ, तो गधे को हमारी भाषा समझ में नहीं आने वाली है, तो गधे को शायद थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। अगर वो धक्का देते हैं तो वो समझता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे मैं हिलूंगा नहीं तो मुझे यहाँ पे ढकेल दिया जाएगा, तो क्या वो हट जाएगा। तो अभी साधारणतः किसी और मानव को हम धक्का नहीं देंगे, बोले आप बाजू हो जाओ, पर क्या है वो गधे को अगर समझाना है तो धक्का देके ही बहुत उसको समझाते हैं। सो कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड इज नॉट वायलेंस। जिस भाषा में वो समझते हैं, अभी भाषा मतलब सिर्फ वचनों से बोलने वाले नहीं है, भाषा हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे वो जो हम उनको समझाना बताना चाहते हैं वो समझते हैं। तो कम्युनिकेटिंग विथ पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज नॉट वायलेंस। हिंसा तभी होती है कि जब किसी को हम दर्द देना चाहते हैं, किसी को हम विनाश करना चाहते हैं, और उसके लिए तो तभी उसको हिंसा कह सकते हैं, और खास करके अगर उसको को करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो बहुत ज्यादा हिंसा हो जाती है। पर यहाँ पे
अभी हनुमान जी हम कह सकते हैं कि वो लंका में इतना जलन जला जला दिया, इतना सारा विनाश कर दिया। तो विनाश करना ये क्या ये बुरी बात है? साधारणतः विनाश करना बुरी बात है, पर ये जो विनाश था वह उसे हनुमान जी कुछ समझा रहे थे क्या, कि वो रावण को जिस भाषा में समझ सकता है रावण, उस भाषा में उसको समझा रहे थे कि अभी रावण वो खुद को बड़ा बहुत बड़ा योद्धा मानता था, तो वो साधारण वचनों की भाषा से वो समझ नहीं रहा था कि राम की शक्ति कितनी है। तो जब हनुमान राम को दर्शा रहे, हनुमान रावण को दर्शा रहे थे कि राम के एक सेवक की शक्ति कितनी है, तो उससे क्या कर रहे थे वो दिखा रहे थे उसको कि अगर तुम राम के शत्रु बने रहोगे, सीता को लौटाओगे नहीं, तो जो अभी लंका की दशा हुई है यह केवल एक झलक है, इससे और बड़ी हिंसा तुम पे, इससे और ज्यादा विनाश हो जाएगा। जब हनुमान ने लंका को पर्याप्त मात्रा में जला दिया, पर्याप्त कैसे, जैसे मैंने पहले बताया, द पॉइंट ऑफ पनिशमेंट इज टू कॉज द मिनिमम नेसेसरी पेन दैट विल सर्व दैट विल एक्ट एज इम्पेटस फॉर रिफॉर्मेशन। जितना जरूरी जितना कम से कम जरूरी दर्द है जिससे कि व्यक्ति की विचारधारा परिवर्तित हो जाएगी। तो अभी इस विचार से उन्होंने जितना पर्याप्त मान समझ लिया, लंका को जलाया। फिर बाद में वो लंका की जो बॉर्डर की दीवार थी उस पर खड़े हो गए, अपने विशाल काया थी और पूछ पीछे जल रही है, और फिर तभी जोर से रावण को चिल्ला के कहा, रावण यह तो राम के एक छोटे से सेवक के शक्ति की झलक है, सीता को लौटा दो, नहीं तो मेरे जैसे और मुझसे और कई गुना शक्तिशाली अनेक वानर यहाँ पे आ जाएंगे, लाखों की मात्रा में की संख्या में यहाँ पे वानरों की सेना आ जाएगी और राम और लक्ष्मण के सामने हो गए, उनके से प्रधान हो गए और वो तुम्हारा विनाश कर देंगे। तो अभी यह कहकर फिर रावण उस दीवार से कूद गए और कूद कर वो पास में सागर में चले गए। सागर में उन्होंने वो अपनी पूंछ को जो है आग थी उसको मिटा दिया उसके पानी से, और बाद में वो वापस कूद के वापस लंका से दूर चले गए यशस्वी बनकर। जब रावण रावण के प्रति ऐसा व्यवहार जब किया तो तक क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि वास्तव में व्यक्ति रावण को वो एक सबक सिखाना चाह रहे थे। तो क्या हनुमान को इसमें इसे सब हुआ तो दर्द हुआ क्या, उसको घाव हुआ? पहले घाव और दर्द था, बाद में सीता की कृपा से वह नहीं हुआ। पर सॉरी, तो यहां पे जो मैं बता रहा था कि जब हमको भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो कुछ घाव होता है, तो घाव जब होता है कि एक शारीरिक स्तर पे घाव होता है, और मान लीजिए किसी का हाथ टूट जाता है तो भी क्या होता है, शारीरिक स्तर पे अगर हाथ टूट जाता है तो फिर आप हाथ को ठीक भी कर दो, कुछ रॉड डाल दो अंदर या उसके जो हड्डी है वो ठीक हो जाती है, तो पर वो जो है कमजोरी की जगह रहती है। तो साधारणतः जो निसर्ग ने जैसे हाथ बनाया होता है और कृत्रिम कुछ भी करके हम उसको ठीक करते तो उतना शक्तिशाली नहीं होता है वो। तो अगर एक जगह शारीरिक स्तर पे अगर जख्म हो जाती है तो वो जख्म एक तरह से हमेशा कर रहती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो क्या होता है कि जो हमें जख्म होती है वही हम हमारी शक्ति बन सकती है। कैसे, क्या कि जब हम किसी समस्या से जाते हैं और उस समस्या में भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमें साक्षात्कार होता है कि भगवान की शक्ति कितनी है, और जहां पे हमें जख्म हुआ है वही हमें आध्यात्म हमारे आध्यात्म श्रद्धा बढ़ाता है, तो फिर उससे हम उसके वो उससे से हमारी शक्ति बन जाती है। सो इफ आवर तो जो है पर्पस पावर्स अस थ्रू पेन, कि इस दुनिया में सबके जीवन में समस्या आती है, दर्द आता है, पर जब दर्द आता है अगर हमारा भगवान की सेवा करने का दृढ़ संकल्प है तो फिर उस दृढ़ संकल्प से क्या होता है, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए
उसके परे हम जा सकते हैं। जो तो समस्याएं हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़े ट्रक में जा रहा है और सामने कोई कोई चोर चोर वगैरह है, उन्होंने डाकू है, वो चोरी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहां पे रास्ते को बंद कर दिया है। अभी कोई छोटी साइकिल पे जा रहा होगा तो साइकिल पे क्या होगा, वो अच्छा रास्ता बंद है तो मुझे रुक जाना पड़ेगा। कोई कोई बड़ा ट्रक है तेजी से आ रहा है तो क्या है, जो भी रास्ता बंद किया उसको तोड़ के वो ट्रक जा सकता है। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे जीवन में हमारा जो उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, तो फिर क्या है, समस्या आ जाएगी। तो वो हमारा जो उद्देश्य एक साइकिल के समान होगा, वो समस्या आ जाएगी, बंद रास्ता बंद है, टूट जाएगा वो हमारा उद्देश्य, हमारा जो दृढ़ संकल्प है टूट जाएगा, हम छोड़ देंगे वो। पर अगर हमारा उद्देश्य है ये भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में मुझे कुछ बड़ी चीज करनी है, और अगर हमें विश्वास है कि मैं भगवान की सेवा में कर रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ है, तो फिर क्या होगा, जो भी समस्याएं आएगी उसके हम उसको हम तोड़ के उसके परे जा सकते हैं। प्रभुपाद जी भी हनुमान जैसे ही थे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनको हार्ट अटैक आया, अमेरिका में जाने के बाद उनका टाइपराइटर डिक्टाफोन चोरी हो गया। हनुमान जाके अमेरिका में जाके जो उनके शिष्य बनने वाला था, पहला विद्यार्थी, वही उनके पति शराब नशे के कारण, ड्रग्स के नशे के कारण पागल होकर उसने प्रभुपाद जी के प्रति आक्रमण किया। ये सब ऐसे बाधाएं थे रास्ते में कि कोई और व्यक्ति जो है वह हताश होकर त्याग कर देता, छोड़ देता, यानी संभव नहीं है, पर प्रभुपाद जी उसके परे जा सके। तो हनुमान जी जो थे उनका हमेशा भगवान की सेवा कर, तो श्री रामचंद्र की सेवा करने का जो दृढ़ संकल्प था वह बहुत सुदृढ़ था। तो अभी हम हनुमान जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हम अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए बाहर से समस्याएं हैं, अंदर से समस्याएं हैं, पर जो भी है अगर हम दृढ़ संकल्प रखते हैं मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो फिर वो जो दृढ़ संकल्प है वह हमारी समस्याओं के परे हमें ले जा सकता है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, भगवान कहते हैं कि आप मेरी चेतना में रहो और सारी समस्याओं के परे मैं आपको ले जाऊंगा। तो सारांश में हमने चर्चा की किस तरह से हनुमान जी अपने अपने उद्देश्य में यशस्वी हुए, और किस तरह से जो उनको हाउ द हनुमान स्टेल हाउ द फायर बैक फायर, कैसे हनुमान जिससे उनको घाव करने का प्रयास किया गया उसी से उन्होंने रावण के प्रति घाव किया। तो चार विभाग हम देखा कैसे जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो क्यों समस्या आ रही है वो समझना है हमें, क्या मेरी गलती से आ रही है, किसी और की क्रूरता से आ रही है, दोनों के साथ में आ रही है, फिर उसके अनुसार हमें उचित कार्य करना है। तो हनुमान जी की जो समस्या जो आई थी वो क्यों आई थी, क्योंकि रावण बड़ा क्रूर था। तो रावण की क्रूरता जो थी उसने क्या किया, उससे फैसला किया, पहले तो रावण को हनुमान को मारना था पर मार नहीं सकते, तो फिर जितनी दर्दनाक सजा हो वो सजा देनी थी। तो जब उसने जलाया तो क्या था कि न केवल वो जलन होगी तभी, पर उसके साथ साथ वह जो आभूषण है वानरों का वो चला जाएगा, उससे अपमान का प्रतीक आएगा और लगभग जिंदगी भर रहेगा वो। फिर बाद में न केवल उसको जलाया, पर जब जला रहा था फिर उसको बंधा हुआ था, पिटाई जा रही हो रही थी, अपमान हो रहा था, वह सब रहा हनुमान ने सहन किया, और सहन करते हुए वो आगे बढ़ा। उसके पूछ को जलाया क्यों, काटा क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादा समय तक उसे दर्द होते रहे, पर उसमें जब हनुमान अपने सेवा भाव दृढ़ संकल्प रखा तो क्या हुआ, हनुमान को सहायता मिली। क्या सहायता मिली, अलग अलग प्रकार से। एक सहायता थी कि सीता की प्रार्थना से वो जल रहा था, जलन वो आग तो जलती रही पर वो जलान उनके पूछ को नहीं जला रही थी। तो एक वो एक ऐसे गरम आग नहीं थी पर एक ठंडी आग जैसे हो गई वो। फिर वायु आ गई वहां पे, और प्रभु रामचंद्र की जो शक्ति थी उसकी भी उनको स्मृति आ गई, और उसके साथ जो पूछ थी पूछ से ही उस हनुमान ने रावण का लंका को जलाया। और जलाना क्या ये हिंसा थी, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो है रावण को उसकी भाषा में समझाना था कि आप राम से युद्ध मत करो। और तो जब जब किसी को सजा देनी होती है तो जब उचित मात्रा में सजा देनी होती है तो क्या होता है, जितना दर्द जरूरी है विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए उतना
इतना सजा दो, पर अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर वो क्रूरता का लक्षण होता है। तो हनुमान जी अपने पूछ से सारी लंका को जला सकते थे, पर सारी लंका को नहीं जलाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि रावण को झलक देना, ना कि रावण रावण का विनाश कर देना वहां पे। तो रावण को झलक किस चीज का? कि राम के एक सेवक की शक्ति का। तो हमारे जीवन में शायद हमें जलाने का कोई नहीं आएगा, पर अलग अलग समस्याओं से हम जल सकते हैं। पर तभी अगर हम हमारा सेवा भाव रखते हैं, भगवान की सेवा का उद्देश्य रखते हैं, जो भी समस्याएं आएगी, पर्पज पावर्स अस थ्रू पेन, जो हमारे दृढ़ संकल्प अगर है भगवान की सेवा करने का, उस सेवा के उद्देश्य से जो भी समस्या है उसके हम परे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी। सवाल ले सकते प्रभु जी ना? यस यस। हाँ प्रभु जी, आपने जो हनुमान जी के बारे में बताया, 4 B बताया आपने, बर्न, बिट्रेड, बाउंड एक्सेट्रा, तो उसी प्रकार से हम भी कभी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि उनको कहाँ कहाँ से शक्ति मिल रही थी। सीता माता की प्रार्थना थी, वायुदेव ने मदद किया और वो तुरंत उन्हें हेल्प भी मिली। तो उसी प्रकार से हम लोग कुछ उद्देश्य लेके कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान से इस प्रकार की जो सहायता है वो तुरंत अनुभव नहीं करते, तो कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो कैसे हम लोग आगे तक लंबे पल्ले तक चलते रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फिर ब्लैंक फ्यूचर दिखता है कभी कभी, ऐसी समस्याएं लंबे समय। यस या वो दैट्स अ टफ थिंग कि जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समस्या आ रही है, पर हमको जो सहायता चाहिए और सहायता कब मिलने वाली है वह समझ में नहीं आता है। तो दो तीन चीजें हैं इसमें कि सबसे पहले हमें खुद योजना बनानी है कि मुझे सहायता मेरे शक्ति के स्रोत क्या है। द द मिरेकल्स इन स्क्रिप्चर आर नॉट रिपीटेबल, बट द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग दोज मिरेकल्स आर। कि जो शास्त्रों में कई बार जब कोई भक्त समस्या में होता है तो एक चमत्कारिक रूप से वो भक्त को किसी से सहायता आ जाती है। तो जब ऐसी सहायता आती है एक चमत्कारिक पद्धति से, तो वह हम एक बहुत ही अलौकिक या विलक्षण चीज मान लेते हैं। पर वास्तव में जैसे प्रहलाद को इतनी सारी समस्याएं में थी, और फिर हर समस्या से वो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो जलाया गया पर जले नहीं गए, उसको जहरीले सांपों के बीच में डाला तो उसको कुछ हुआ नहीं। द मिरेकल इज नॉट जस्ट दैट प्रहलाद सर्वाइव्ड ऑल दीज थिंग्स, द मिरेकल इज दैट प्रहलाद फेथ रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन वाइल गोइंग थ्रू दोज थिंग्स। कि जो चमत्कार ये नहीं था कि प्रहलाद उन सब सबसे बच गए, चमत्कार ये था कि प्रहलाद की श्रद्धा जो थी इन सब परिस्थितियों में बनी रही। तो अभी किस माध्यम से हमें सहायता मिलेगी वो हम पहले से कह नहीं सकते, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि मुझे शक्ति भक्ति में कहाँ से मिलती है, और जहाँ से वो शक्ति मिलती है वो उस चीज को मैं मेरे साथ में आई नीड टू कीप दैट एक्सेसिबल टू माई सेल्फ, वह मेरे साथ में रखना है। तो शायद वो भगवान के नाम का जप हो, कीर्तन हो, कुछ कथा का श्रवण हो। और फिर हम अभी प्रभुपाद जी के जीवन में भी सहायता आने के लिए काफी समय लगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं भारत में उपचार कर रहे थे लगभग 30, वो 1921 22 में उनको उनको आदेश मिला। हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने लगभग 1940 से जो है ऑलमोस्ट फोकस्ड एफर्ट टू स्टार्ट प्रीचिंग। प्रभुपाद जी जो बैक टू गॉड हेड था वो दूसरे महायुद्ध के पहले से चालू कर दिया था, तो फिर वह चालू था। पर उनको जो एक तरह से सहयोगी जो मिले वो
वो 1966 के बाद ही मिले। तो इसलिए एक तरह से हमें, हम जो सेवा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं वह समझना है। कृष्णा इज नॉट सो मच कंसर्न्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट वी डू एज व्हाट हैपेंस इन आवर हार्ट व्हाइल वी आर डूइंग इट, कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो वो परिस्थिति कभी कभी तुरंत चले जाएगी, कभी काफी समय लग जाए चले जाने के लिए, पर उसके दौरान हम क्या कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। और उसके दौरान जो हम करते हैं अगर वो उचित मात्रा से उचित पद्धति से करते हैं, उचित जिम्मेदारी से करते हैं, तो हम उससे हमारी वृद्धि हो रही है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से हम वी आर ग्रोइंग, हमारा विकास हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है। तो सो वन नो द स्ट्रेंथ्स, नो द थिंग्स दैट गिव अस स्ट्रेंथ, दैट्स वन थिंग, एंड कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड दैट जस्ट द रिमूव डिसअपीयरेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इज नॉट द की थिंग, इट इज द इनर ग्रोथ। तो फिर अगर वो हम चीज रहते हैं तो उससे हमें वो समस्याओं के पार जाने के लिए थोड़ी शक्ति मिल सकती है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे तो हम उनसे अनम्यूट कर सकते हैं। चैट में सुनील कुमार जी का एक प्रश्न है प्रभु जी। Yes, please. Should we expect mercy? If so, how to keep ourselves solely focused on our sadhana? So, I think the question is based on our own efforts and the Lord's mercy. So, we are expecting the mercy. जब हम कृपा की अपेक्षा करते हैं तो कैसे हम, या कृपा की अपेक्षा करते हैं तो कैसे साधना पे एकाग्रित रहे या कृपा की अपेक्षा करें? ओके, देर आर थ्री वर्ड्स, देर इज डिजायरिंग, इज एक्सपेक्टिंग एंड देर इज डिमांडिंग। इच्छा करना, अपेक्षा करना और मांग करना। तो जो भक्ति होती है, भक्ति में अ डिवोटी नेवर डिमांड्स कि ये मेरा हक है और आपको मुझे देना ही पड़ेगा, पर जो भक्त की इच्छा होती है वो इच्छा हमेशा जागृत रहती है। भक्त चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो, भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करनी है उसके लिए मुझे सुविधा अगर मिलेगी तो मैं और सेवा कर पाऊंगा। तो और एक तरह से तो प्रभुपाद जी जो कर्दम मुनि की कहानी है उसमें उसके उस प्रसंग में तात्पर्य बताते हैं कि भक्त हमेशा चाहते हैं कि भगवान का दर्शन कर सके पर उसकी मांग नहीं करते हैं वो। सो डिवोटी डिजायर्स बट नेवर डिमांड्स। तो अभी डिजायरिंग मतलब इच्छा करना, एक्सपेक्टिंग मतलब अपेक्षा करना, डिमांडिंग मतलब मांग करना। तो अगर हम कह सकते हैं इच्छा करनी है पर मांग नहीं करनी है, तो अपेक्षा जो है ये एक तरह से स्वाभाविक है। सो एक्सपेक्टेशंस आर नॉट द प्रॉब्लम, अटैचमेंट टू एक्सपेक्टेशंस इज द प्रॉब्लम। क्या हम सबको, अगर हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी संबंध होता है तो उसमें आदान प्रदान होता है, और ये केवल सारा आदान प्रदान जो होता है वो स्वार्थ के आधार पर नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि वो दुकान में जाते हैं तो दुकान में कौन दुकानदार है महत्वपूर्ण नहीं है, जो मुझे चीज चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, कोई भी दुकानदार होगा उसके पास जाऊंगा मैं वो चीज ले लूंगा उनसे। तो कुछ लोगों को दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन व्हाट गॉड विल गिव देम, कि तो कोई भी मंदिर में जाएंगे, किसी की पूजा करेंगे, जो मेरी समस्या है उसका हल हो जाएगा तो वो पर्याप्त है, वही महत्वपूर्ण है, ऐसा भाव होता है कुछ लोगों का। पर जब जब स्नेह का बंधन होता है किसी दो लोगों में, तो स्नेह के लक्षण भी क्या है, जो छह चीजें रूप गोस्वामी बताते हैं तो उसमें सब में आदान प्रदान है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव
भेंट देना, भेंट स्वीकार करना, दूसरा कुछ जो बोल रहा है अपना हृदय के बात उसको उसको ध्यान पूर्वक सुनना, अपने हृदय की बात को बताना और फिर उसी तरह से प्रसाद देना, प्रसाद लेना, स्वीकार करना, ये सब क्या है? आदान प्रदान है। सो आदान प्रदान ये जो है वह कोई भी संबंध में आवश्यक है, इसे आदान प्रदान के द्वारा ही संबंध और शक्तिशाली बनता है, तो ये जरूरी है। तो वही से उसी तरह से एक्सपेक्टेशन जो है भगवान के साथ भी हमारे, जब हम कोई सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो अपेक्षा होना ये स्वाभाविक है। पर क्या है कि जब भी हम अपेक्षा करते हैं तो आवर एक्सपेक्टेशन शुडेंट बिकम आवर लिमिटेशन। मतलब क्या कि मैं, मेरे भी समस्या है और मैं इस समस्या का हल देख रहा हूं, तो अभी हमारी कभी क्या होती है जो विजन हो जाती है, जो दृष्टि होती है, ये समस्या का हल कब हो, कहाँ होगा, कैसे होगा, वही हम देख रहे हैं, उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारी दृष्टि कभी कभी उससे संकुच हो जाती है, तो वो नहीं होना, क्योंकि क्या है, भगवान कभी कभी हमारी जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं, पर वो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, कुछ और पद्धति से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब वो अपना बिजनेस कर रहे थे, कई बार समस्या आ रही थी, वो जितना भी प्रयास कर रहे थे वो उनका बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा था। तो तभी क्या हो गया, उनके मित्र ने उनको, श्रीधर भगवान ने उनको बताया कि यस्याहम अनुग्रहम, श्लोक बताया कैसे क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है कि प्रभु जी देखे थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मैं हमारे मेरे गुरु महाराज की सेवा करना चाहता हूँ, उनके उनके मिशन की सेवा करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं धन निकाल कर रहा हूँ, न केवल मेरे परिवार के लिए, दोनों थे उद्देश्य थे, पर ये क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके जो गुरु, उनके जो गुरु भाई ने तभी बताया, तो उनको लगा, समझा कि अच्छा भगवान मेरी सेवा इस तरह से नहीं चाहते हैं कि मैं धनराशि एकाग्र करके योगदान करूं, भगवान शायद कुछ और चाहते हैं मुझसे। तो इसीलिए कि हम जब कृपा की साधना करते हैं तो कृपा की अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा एकदम स्वाभाविक है, पर वो अपेक्षा से, अपेक्षा के कारण हमारी जो दृष्टि है संकुचित नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी किसी चीज से एक चीज की अपेक्षा करते हैं और तभी वो कोई और दूसरी चीज लेके आते हैं, और दूसरी चीज पहले जो हम अपेक्षा करें उसे और मौल्यवान है, पर क्योंकि हमारी दृष्टि संकुचित हो गई है कि वो जो चीज वो दे रहे हैं उसका मौल्य ही समझते नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई छोटा बालक है, उसको उसको चॉकलेट चाहिए, और उसके पिताजी मान लीजिए उसके लिए कोई कोई ज्वेल्ड रिंग लेके आ जाते हैं, तो अभी वो बहुत मौल्यवान है, उसको चॉकलेट नहीं लाया क्या फायदा है। तो वैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी दृष्टि, हमारे एक्सपेक्टेशन कैन बिकम अ लिमिटेशन ऑन आवर विजन। तो कोई भी संबंध में, भगवान के साथ संबंध में अपेक्षा ठीक है, वो मतलब अपेक्षा स्वाभाविक ही है, पर वो डोंट लेट द एक्सपेक्टेशन बिकम अ लिमिटेशन ऑन द विजन। तो हम साधना करते हैं, वो हमारी ओर से हम योगदान कर रहे हैं, और भगवान किस तरह से प्रतिसाद करेंगे उसको हम, हमारा हृदय एक तरह से, वी नीड टू कीप बी ओपन हार्टेड और ओपन माइंडेड टू रिसीव द लॉर्ड्स रेसिप्रोकेशन। Does it answer the question? कोई और सवाल है? Yes, sir. एक सेकंड प्रभु, एक अवधूत निधा प्रभु। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा, जय। तो प्रभु, ये आपने अभी जो क्वेश्चन जो था वो कैसा था कि आपने रावण के बर्ताव के बारे में बताया कि उसके रिलेटेड एक था कि जो युक्तिवाद दिया गया, इसलिए वो प्रश्न मन में आया मेरे। अभी हनुमान जी, अभी रावण जो था वो तो निस्संदेह क्रूर व्यक्ति था, नीच व्यक्ति था, हरण किया था सीता का, तो उसका वो बर्ताव गलत था। लेकिन हम हनुमान जी के बारे में अगर बात करें तो हनुमान जी जो थे वे वहां पर लंका में घुस गए थे, एक गुप्त तरीके से घुस गए थे, फिर वहां पर उन्होंने लंका में काफी तहस नहस भी की थी,
और इसलिए अगर हम देखें तो उनका पकड़ा जाना और उनको अगर मृत्युदंड भी दिया जाता तो वो भी गलत नहीं था, क्योंकि उनके लिए दूत कहना वो उचित नहीं है, क्योंकि वो दूत थे ही नहीं, वे गुप्तचर के रूप में गए थे हम वैसे देखे तो। तो इसलिए अगर उनको पूंछ जलाने की क्या बात, अगर उनको मृत्युदंड भी रावण देता था तो वो गलत नहीं था। तो मेरा वही प्रश्न था कि बाकी जो बर्ताव रावण का हम कहते हैं कि वो उसकी विचारधारा वगैरह, तो वो बाद में की बात आती है सर। ओके ठीक है। तो रावण जो थे, क्या हनुमान ने गलतियां की थी वहां पे जिससे कि हनुमान को दंड देना उचित था? ओके, कैसे है कि यहाँ पे कई चीजें महत्वपूर्ण है समझना, कि देर इज कैटेगोरिकल एथिक्स एंड देर इज कॉन्टेक्चुअल एथिक्स। कैटेगोरिकल एथिक्स मतलब सही और गलत क्या है, कि ये सब चीज़ सही है, ये सब चीज़ें गलत है, ऐसी बात है। पर कॉन्टेक्चुअल एथिक्स मतलब संदर्भ के अनुसार क्या सही है क्या गलत है वो फैसला होता है। तो अभी जब अभी साधारणतः सही बात करना, सत्य बोलना ये अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। हमारे कोई बच्चे हो गए तो हम उनको बोले सत्य बोलना चाहिए, पर मान लीजिए कि वो हमारा बच्चा स्कूल में है और स्कूल में कुछ कुछ ऐसे बच्चे दादागिरी करते हैं, बुलिंग कर रहे हैं वो, और वो पूछते हैं तुम्हारा मित्र कहाँ है बताओ मुझे। तो क्या उन्हें बता दिए मित्र कहाँ है? बोले वो वहां पे है, वहां पे जाके उस पे उसको बुलिंग करेंगे, उस पे दादागिरी करेंगे वो। तो तभी शायद सत्य बोलना साधारणतः तो अच्छा है, पर सत्य बोलना कभी कभी उचित नहीं है वो, क्योंकि सत्य बोलने से अगर व्यक्ति किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को घाव होगा, किसी के को हानि होगी, तो फिर वो हमें संदर्भ को भी देखना है। तो उसी तरह से अभी जब पांडव अज्ञातवास में थे तो पांडव तो हमेशा सत्य बोलते थे, पर अगर वो अज्ञातवास में है और कोई उनको पूछेगा आप कौन हो, क्या वो सत्य बोल सकते हैं? तभी सत्य बोलेंगे तो तुरंत अज्ञातवास खत्म हो जाएगा। तो तभी वो उन्होंने सबने एक नया नाम ले लिया था और नए नाम से खुद का परिचय करा रहे थे। तो क्या है कि क्या उचित कार्य है क्या अनुचित कार्य है, यह समझने के लिए हमने केवल कार्य को नहीं देखना है, उसका संदर्भ भी देखना है। तो अभी जब रावण ने अनैतिक पद्धति से सीता का अपहरण किया है और फिर वो सीता को अपने ही महल में रखा है जो लंका में सागर के परे है, सागर से आवृत है, मतलब बहुत ही एकदम से सुरक्षित जगह है, तो वहां पे जब रावण उसको ढूंढना है तो राव हनुमान को वहां पे जाना ही एक तरह से वो रावण की योजना से या रावण के नियम के अनुसार, रावण के कानून के अनुसार हनुमान का वहां पे आना ही गलत है। यह सही है एक तरह से, अगर कि दो देशों में युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, और किसी भारत के सैनिक को और भारत के किसी नागरिक को पाकिस्तान के लोगों ने वहां पे उनको बंदी बना लिया है, तो तभी भारत के सैनिक वहां पे जाएंगे और उसको छुड़ाने जा रहे हैं। तो अभी भारत के सैनिक पाकिस्तान में जाना ही गैर कानूनी है पाकिस्तान की दृष्टि से, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अगर किसी भारत के नागरिक को गैर कानूनी पद्धति से उन्होंने गिरफ्तार करके बंदी बना लिया है तो फिर उसको छुड़ाना यह उचित है, और उसको छुड़ाने के लिए जो भी करना वो उचित है। तो क्या है कि लाइक वी से टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। तो अभी ये हमेशा सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है, पर शठो सत्यम मतलब विद द कनिंग बी कनिंग। तो रावण ने सबसे पहले जो कार्य किया था वही गलत है, सीता का अपहरण वह पूरा गैर कानूनी था, तो उसको उसका जो फॉलआउट था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी, उसके कारण हनुमान वहां पे आए थे। और हनुमान वहां पे आए थे और फिर जैसे मैं बताया कि हनुमान ने वो लंका वहां पे अशोक वाटिका वगैरह तोड़ा वगैरह, वह सब एक तरह से तो रावण की दृष्टि से यस वो सब
गैर कानूनी या आप जो भी कहना है वो एक गुनाह हो सकता है, बट क्या है कि वह सब जो हो रहा है वह सबसे पहले उसकी शुरुआत रावण ने ही की है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ऑनेस्टी अमंग थीव्स, ये चोरों में जो ईमानदारी है वो एक प्रकार की ईमानदारी है, पर वो पहले जो ईमानदारी से बांट रहे हैं वही अगर चोरी से प्राप्त किया है तो फिर वो ईमानदारी का क्या मतलब है। उस तरह से जो फाउंडेशन है उसमें ही रावण गलत था। तो अब जैसे बताया कि रावण जो अशोक वाटिका को तोड़ा या फिर रावण के सैनिकों को मारा, वह सब जो हनुमान ने किया वह इट वॉज टू सेंड अ मैसेज टू, वो सब एक संदेश दे रहे थे रावण को कि तुम अगर राम को राम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो उस संदर्भ में अभी क्या फैसला करना है, किस तरह से फैसला करना है वो रावण पे निर्भर था। ठीक है, रावण अगर चाहता था वो मार भी सकता था हनुमान को, अब योजना कर सकता था, हनुमान को मारना नामुमकिन था। बट द पॉइंट इज वी कैन नॉट इवेल्युएट द एथिक्स ऑफ द सिचुएशन ओनली बाय कंसिडरिंग वॉट हनुमान डिड इन लंका, टू कंसिडर वॉट हैपेंड बिफोर दैट ऑल्सो। जो हनुमान ने लंका में किया उसके आधार पर ही हमें उसका फैसला नहीं करना है, उसके पहले क्या क्या हुआ था, उसके पहले रावण ने क्या किया था वो भी हमें देखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हनुमान जी तो गलत थे ही नहीं, कोई बिल्कुल ठीक उन्होंने किया था। और रावण का जो बर्ताव था उसके बारे में थोड़ा सा, कि उसने जो किया वो अगर मृत्यु दंड की भी अगर वहां पर उनको सजा देता तो वो शायद गलत नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा था। दैट्स फाइन। तो उसने विभीषण ने बोला और फिर उसने सोचा कि ये मेरे मान का लक्षण है, आई एम दैट्स फाइन। उसकी दृष्टि से उसकी तो योजना थी कि वो सीता को भी, अगर सीता उसके शरण में नहीं आती तो सीता सीता को भी वो अपने ब्रेकफास्ट के रूप में खाने का प्रयास प्लान था उसका। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने वंडरफुल बहुत टू मीट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, हिमान चैतन्य चरण प्रभु की जय। पुनः जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कभी ऐसा संग मिले ऐसी अपेक्षा करते हैं प्रभु जी हम लोग। हरे कृष्णा जय। डिमांड तो नहीं कर रहे लेकिन डिजायर डिजायर है हमारा। Oh God, that's clever. Hare Krishna, Jai. थैंक यू। हरे Thank कृष्णा। you, Hare.